अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज देवरानी जी ढलनी हमारे घर आई हुई थी, तो भाभी है मेरी लगती, वो बैठी हुई थी रेस्ट कर रही थी। मैंने सोचा कि मैं उनके हिस्से का व्लॉग बनाती हूँ। आज हमने बनाना है देसी मुर्गा। उसके लिए हमने लिया है 1.5 किलो चिकन, ये 3-4 कुटी हुई मिर्च, धनिया, टमाटर, 2 टमाटर लिए हैं, 4 प्याज लिए हैं, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, बाकी ये सब कुछ, लाल मिर्च 2 चम्मच, नमक 2 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच। तो अब ये चिकन हमने प्रेशर लगाएंगे, उसमें हम सब कुछ डालने लगे। जब हमने चिकन डाल दिया इसके अंदर, अब हमने सब कुछ उठा के ना डालना है। अब हमने इसमें डालना है प्याज, और अब हम डालेंगे टमाटर। ये डाल दिया हमने इसके अंदर। धनिया के अलावा हमने सब कुछ डालना है इसके अंदर, सब कुछ ऐड करेंगे। ये नमक डाला हमने, ये मिर्चें, हल्दी, ये पेस्ट डाला अदरक लहसुन का जो हमने बनाया हुआ था। अब हम ये डालेंगे, और रह गई हरी मिर्च, अब ये डालेंगे इसके अंदर। चलें जी, अब हमने ये सब कुछ इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम करेंगे इसमें 2 ग्लास पानी ऐड। चलें, ये 2 ग्लास पानी ऐड हो गया। अब हम प्रेशर लगाएंगे, फिर आपको साथ साथ दिखाते हैं। गाइस ये देखें, प्रेशर कुकर रख दिया है हमने। अब 5-10 मिनट बाद इसको देखेंगे। गाइस अब हमारी सीटी चलने लग गई है। आपको पता ही है, वो जो गोश्त दूसरा होता है वो तो वैसे ही हम हांडी में बना लेते हैं, लेकिन ये जो वो देसी मुर्गा होता है या देसी मुर्गी होती है, हमें उसके लिए प्रेशर लगाना पड़ता है। अब प्रेशर हमारा चल जाएगा, इसके बाद हम बुनाई करेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। गाइज ये देखें, हमने प्रेशर कुकर से निकाल लिया था और कढ़ाई में डाल दिया था। अभी इसमें हम घी डालेंगे और इसकी बुनाई करेंगे। ये देखें, अब हम इसमें घी ऐड कर रहे हैं। ये मैं फर्स्ट टाइम व्लॉग बना रही हूँ, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मेरे वर्ड्स गलत हो रहे होंगे, लेकिन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आपने कमेंट्स लाजमी करना है, और वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और बेल आइकॉन का तो आपने क्लिक करना नहीं भूलना, क्योंकि कोई भी हम नया व्लॉग बनाएंगे और भाभी नया व्लॉग बनाएंगी तो सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। ये अच्छे से हो गई है हमारी। अब हम इसमें ये सूखा धनिया ऐड करेंगे, ऐड करके अब हम इसे अच्छे से मिक्स करें। इतना मजे का बन रहा है, इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, सब पूछ रहे हैं कि क्या बन रहा है, क्या बना रहे हो आप। ये देखिए, अब हम इसे दम पे लगाने लगे हैं। चलें फिर आपको दिखाते हैं। अब हम थोड़ा सा चूल्हा आस्ता करेंगे, हल्की आंच पे करेंगे। चलिए अब देखें, हम इसकी बुनाई कर रहे हैं। जब ये अच्छे से बुनाई हो जाएगी इसकी, तब हम आपको दिखाएंगे। कितना मज़े का लग रहा है, ये रेडी हो गया, बिल्कुल अच्छे से ये रेडी हो चुका है। अब हम इसे बॉल में डालेंगे और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अब हमने बॉल में डाल लिया ऐसे। अभी हम इसमें स्मैश, गाइज ये देखिए, हमारा खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम खाएंगे और मजे लेंगे। ये हमारी रोटियां भी आ गई थी तंदूर से, और कोक हमारे भाई लेने गया हुआ है, जब वो आएगी हम खाएंगे। आपने हमारी वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब करना है, और कमेंट्स भी करने हैं, लाइक भी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़ गाइज, आप अपना ख्याल रखिएगा।